इसको फीवर हो रखा है दोस्तों, कल शाम से इसको देख रहे हैं, सूस टाइप है। अभी इसका हमने टेम्परेचर लिया दोस्तों, तो इसका टेम्परेचर 104 डिग्री आ रहा है, मतलब फीवर का भी इसको इंजेक्शन दिया है दोस्तों, मोनोलेक्स प्लस 3 ml दिया है। और 8वें दिन एक बच्चे की मोर्टलिटी हुई है दोस्तों, ये देखें एक बच्चे की डेथ हुई है, पानी दिए हैं। आज है इनका 8वां दिन दोस्तों, कल इसका 7वां दिन हमने वैक्सीन किया, आज है इनका 8वां दिन। तो आजकल में के अंदर ही वो भी काम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अकेले हैं तो भाई थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों काम वाम करने में। ये जो तीनों बच्चे थे इनको अभी बाहर निकाल दिया दोस्तों धूप में, चिंकी भी यहीं पे खड़ी है, लाली उधर खड़ी। दोस्तों वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग दोस्तों, और बकरी को बैठने के लिए थोड़ा सा जगह हमने बढ़ाया दोस्तों, ये देखें तार वाला जो पेड़ है यहाँ पे दिया है, फिर एक वहाँ पे दिया है, पहले से तो ये वाला था दोस्तों, ये वाला और इधर बड़ा करना है दोस्तों, ये जो पूरा लाइन आपको खाली दिख रहा है यहाँ पे बिछाएंगे, बाकी उधर जो बकरी बैठी हुई है उधर भी देना है। तो आजकल में के अंदर ही वो भी काम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अकेले हैं तो भाई थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों काम वाम करने में। बाकी बकरी अभी सब फिलहाल में सारी ठीक है दोस्तों, किसी भी कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी खांसी नहीं है, बकरी स्वस्थ है, भले से जमीन पे बैठी है लेकिन सर्दी खांसी नहीं है दोस्तों। फिलहाल में अभी चलते हैं मुर्गा साइड, मुर्गी का बच्चा एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों मुर्गी का बच्चा भी सब ठीक है दोस्तों, और सुबह में हमने पानी चेंज कर दिया था दोस्तों, उसका वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि दोस्तों मेरा फोन डिस्चार्ज था, फोन चार्ज नहीं था, इसके वजह से नहीं कर पाए। इन पानी का डब्बा नया लगा दिए दोस्तों, फिलहाल में नॉर्मल पानी दिए हैं। आज है इनका 8वां दिन दोस्तों, कल इसका 7वां दिन में हमने वैक्सीन किया, आज है इनका 8वां दिन। और 8वें दिन एक बच्चे की मोर्टलिटी हुई है दोस्तों, ये देखें एक बच्चे की डेथ हुई है। और रात में तो ठीक था दोस्तों, मतलब 2 बजे तक हम तो थे, 2 बजे के देख के गए हैं, वक्त 3-4 बजे भोर में डेथ किया होगा दोस्तों, पता नहीं किस वर्ण से चपुप के ही मर गया दोस्तों, कोना में क्योंकि मरा हुआ था। फिलहाल में बच्चे ठीक है दोस्तों, इनका दाना भी है और दाना बहुत ज़्यादा ही बर्बाद कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं जहाँ मन तहाँ बहुत डब्बा जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहाँ वहाँ पूरा ज़मीन पे गिरा हुआ है, इसलिए भी इनको पूरा दाना ख़त्म करने देंगे, उसके बाद से फिर नया दाना डालेंगे। फिलहाल में अभी इनको यहीं पर रहने देते हैं दोस्तों और चलते हैं फार्म साइड। तो दोस्तों बाकी बकरी का जो बच्चा है इनको दूध दूध पिला के और रख दिए हैं दोस्तों, इनका भी काम खत्म हो चुका है दोस्तों, टोटल काम हमने सुबह का खत्म कर लिया है दोस्तों। फिलहाल में अभी जा रहे हैं दोस्तों घर, घर से नाश्ता उस्ता करके आते हैं, फिर बकरी को लेके चलेंगे चराई पे। ये जो तीनों बच्चे थे इनको अभी बाहर निकाल दिया है दोस्तों धूप में, चिंकी भी यहीं पर खड़ी है, लाली उधर खड़ी है फार्म का, बाकी हमने पर्दा उर्दा उठा दिया दोस्तों। बकरी भी सारी बैठी हुई, बकरी को भी खोलेंगे दोस्तों 1/2 घंटा में, 9:30 हो रहा है, बच्चों को थोड़ा धूप लगाने के लिए छोड़ दिए दोस्तों बाहर में, थोड़ा बहुत इन लोग टहलेगा इधर उधर। बच्चे यहाँ पे थे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इधर चले गए हैं, देखें तीनों बच्चे इधर, एक तो उधर गड्ढा में हिल गया है, 2 इधर है। आजा बेटो, आजा 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 आजा। लगभग आज 22 दिन का आज कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आज ये 22 दिन के बच्चे हैं और बहुत हेल्दी हैं बच्चे दोस्तों, सोचते हैं 22 दिन के बच्चे हैं तो अच्छे से एकदम चलते हैं। एक तो उधर भाग गया है, देखें वहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। बकरी सबको निकाल दिए दोस्तों बाहर चराई पे, और बकरी 2 मिनट में भाग गई है दोस्तों, टोटल बकरी उधर भाग चुकी है। फिलहाल में मुर्गी को दाना दे दिए, पानी दे दिए, फार्म अभी साफ नहीं हो पाया दोस्तों, फार्म आपको गंदा ही रहेगा, 1-2 घंटे बाद साफ करेंगे दोस्तों। अभी फिलहाल चलते हैं बकरी साइड, बकरी बहुत दूर भाग चुकी है दोस्तों, सारी बकरी आ चुकी है चराई पे, देख सकते हैं टोटल बकरी। फिलहाल में अपने साथ दोनों डॉग आया, चिंकी भी आई है, साथ में लाली भी आई दोस्तों, आज चिंकी को भी लेके आए दोस्तों, इसके बच्चे सब दूध दूध पी के सो रहे हैं, ये भी आ गई दोस्तों। फिलहाल में अभी लेके चलते हैं बकरी को आगे। फिलहाल में अभी दोस्तों सारी उधर बकरी चल रही थी, अब लेके चल रहे हैं दोस्तों सबको फार्म साइड ही, क्योंकि आधी बकरी निकल चुके हैं दोस्तों, आधी बकरी इधर ही है, इनको भी हाँकते हैं दोस्तों, बाकी छोटा बच्चा है अपने साथ ही है, डॉग भी अपने साथ है दोस्तों, तो हाँकते हैं और आगे लेके चलते हैं थोड़ा। दोस्तों बकरी इधर आ गई है, हम सोच रहे हैं ये वाला जो बगीचा आपको सामने दिख रहा है पेड़ वाला, बहुत सारे इसमें पेड़ लगा हुआ है, इसमें ही डाल देते हैं दोस्तों, 1 घंटा बकरी इसमें 1-1.5 घंटा चर लेगी, 11:30 हो रहा है। फिलहाल में सबको इसके अंदर ही करते हैं दोस्तों, यहीं पे 1-1.5 घंटा चराएंगे, फार्म साइड ही लेके चलेंगे। फिलहाल में दोस्तों सारी बकरी को लेके आ गए हैं फार्म पे, आधी और आधी बकरी चली गई दोस्तों पहले ही फार्म पे, चलते हैं उधर ही दोस्तों, फार्म सफाई भी करना है। और दोस्तों देख सकते हैं आधी बकरी दोस्तों वहां पे चर रही है हमारी फार्म की, और आधी बकरी दोस्तों फार्म साइड ही चर रही है, मतलब 2 भागों में डिवाइड हो चुके हैं दोस्तों। और ये तालाब में आके, तालाब में क्योंकि घास बहुत ज्यादा है दोस्तों हरा हरा, तो यहाँ पे इनको पसंद आ रहा है, 1-2 दिन से यहीं पे आ रहे हैं लोग चरने के लिए, बकरी को यहीं पे चरने देते हैं दोस्तों। अगल बगल फसल भी नहीं है, अभी निश्चिंत है, गेहूं का फसल अभी हमारे यहाँ नहीं लगा है तो निश्चिंत भी है। फिलहाल में तालाब से बाहर भी नहीं जाएंगे, यहीं पे इनको चरने देते हैं, चलते हैं जो फार्म पे बकरी है आधी उधर चलते हैं। दोस्तों अभी सारी बकरी को अंदर कर दिए हैं दोस्तों, और फार्म भी हमने साफ कर दिया था दोस्तों, देख सकते हैं थोड़ा बहुत तो चिपचिपा रहेगा दोस्तों, क्योंकि मौसम ठंड वाला है और बरसात थोड़ा हो रहा है, तो उसके वजह से उसका कोई दिक्कत नहीं है, बकरी को बैठने के लिए मिला हुआ है जगह। फिलहाल में अभी इनका दलिया लगाते हैं दोस्तों, यहाँ टप में खाली है, इसमें पानी ला कर डालते हैं और इनका दलिया डालते हैं इसमें। तो ये बकरी को दलिया दे दिए हैं पीने के लिए पानी के साथ, और ये जो बकरी आपको दिख रहा है दोस्तों इसको फीवर हो रखा है दोस्तों, कल शाम से इसको देख रहे हैं सूस टाइप है। अभी इसका हमने टेम्परेचर लिया दोस्तों, तो इसका टेम्परेचर 104 डिग्री आ रहा है, मतलब फीवर का भी इसको इंजेक्शन दिया है दोस्तों, मोनोलेक्स प्लस 3 ml दिया है, और एंटीबायोटिक में इसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दिया है दोस्तों, क्योंकि ये प्रेग्नेंट नहीं है, बच्चा दे रखी है और बच्चा भी इसका मर चुका है दोस्तों, तो इसलिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 3 ml।
और सीपीएम दिया है 3 ml और ट्राइबीवेट दिया है 3 ml। और इंजेक्शन दिया है दोस्तों, और आप बिना डॉक्टर के सलाह या किसी भी फार्मर के सलाह के बिना ये इंजेक्शन ना लगाएं दोस्तों, आप ही के भलाई के लिए हम बस आपको बताना चाहते हैं, ये नहीं बोलते कि आप भी इलाज कर लें। तो अगर कुछ जानकारी ना हो तो कृपया एक दो फार्मर से कॉन्टैक्ट में रहें, उनसे आप सलाह ले लें, उसके बाद फिर आप इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। मेरी बकरी ठीक है दोस्तों, नॉर्मल है, शाम तक देखते हैं इसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता है तो फिर से इंजेक्शन रिपीट करेंगे। बाकी बकरी अभी दलिया पी रही है, बाकी पुरानी वाली बकरी का इधर दे रखे हैं तो उन लोग भी पी रही है, कुछ डब्बा में कुछ कुछ पी के बैठ चुकी है। दोस्तों शाम वाला वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे दोस्तों, कुछ कारण वजह से दोस्तों हम कुछ मार्केट चले गए, टाइम नहीं मिल पाया था दोस्तों। फिलहाल में अभी आ गए हैं दोस्तों फार्म में, और शाम में दोस्तों बकरी चरा उरा के अंदर करके चले गए थे, और शाम में दोस्तों वो जो लकड़ी दिख रहा है वो हमने काटा है और उसको बिछाया दोस्तों बकरी का बैठने के लिए थोड़ा एरिया, और इधर वाला भी एरिया में दोस्तों कल बिछ जाएगा, इधर भी कम्प्लीट हो जाएगा, हमने काट दिया है, बस उसको दो भाग में डिवाइड करना है, और दो भाग में डिवाइड करके इधर लाके बिछा देंगे ताकि पुरानी बकरी भी इधर बैठेगी। कल परसों तक इधर भी सेटअप हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अकेले हैं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा मैनेज करने में होता है। बाकी बकरी सब खड़ी है दोस्तों उसी पे है, देखें कुछ इधर भी बैठी हुई है, कुछ उधर कोने में बैठी हुई है। फिलहाल में इधर भी हमने दिया है, दो और देना है तो वो भी दिला जाएगा दोस्तों। फिलहाल में अभी चलते हैं दोस्तों मुर्गी साइड, मुर्गी का आपको एक बार स्थिति दिखला देते हैं कैसी है क्या है। फिलहाल में दोस्तों मुर्गी का बच्चा भी सब ठीक है, इनका दाना खत्म हो चुका है तो दाना डब्बा में लगाना है दोस्तों, देख सकते हैं डब्बा पूरा खाली हो चुका है, दाना लगाना है, और इनका जो पानी वाला डब्बा है ये दूसरा पानी लगाना है दोस्तों। तो पानी वाला डब्बा पहले फिलहाल में हटा लेते हैं, उसके बाद फिर दाना लगा देंगे, पहले पानी लगा देते हैं फिर दाना लगा देंगे। तो फिलहाल में तो हमने पानी चेंज कर दिया दोस्तों, रात का नया पानी लगा दिया है डब्बा में, और अभी दाना लेके आ गए हैं। तो दाना डब्बा में जो जो खाली है सब में दाना लगा देते हैं दोस्तों फिलहाल में। तो दोस्तों मुर्गी का बच्चा था उसको दाना और पानी हमने लगा दिया है दोस्तों, काम खत्म हो चुका है मुर्गी वाला। फिलहाल में एक काम और बच रहा है दोस्तों, बकरी का जो बच्चा है उसको दूध नहीं पिलाए हैं तो ज्यादा चिल्ला रहा है, दूध पिलाना है दोस्तों। बाकी इधर वाला तो काम खत्म है दोस्तों, दाना पानी दे दिए, और आज इनका 8वां दिन था दोस्तों सोनाली मुर्गी का, आज इनका 8वां दिन है, इनका 9वां दिन होगा, तो 9वां दिन इनका हम वेट करेंगे दोस्तों कितना वजन आया है 9वें दिन में। और जो ब्रॉयलर का प्री स्टार्टर आता है दोस्तों वो इसको हम खिला रहे थे 500 चीक्स से, और जो मेरा एक बैग खा चुका है 8वें दिन, एक बैग खत्म हो चुका है दोस्तों 500 चीक्स पे, 50 kg दाना खा चुका है 500 चिक्स ब्रॉयलर का प्री स्टार्टर। और कल इसका वजन करेंगे दोस्तों 9वें दिन, सोनाली वेट की कितना वेट धरा है दोस्तों 9वें दिन में बच्चा का। फिलहाल मैं ये वाला वीडियो के यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे मिलते हैं कल दोस्तों नए ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और राम राम।